हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिकाज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जाम की रेसिपी। ये गुलाब जाम बहुत ही जल्दी फटाक से बन जाते हैं। घर में इसका सभी सामान अवेलेबल होता है, वो भी बिना मावा के ये बन जाते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर पर और घर के सामान से बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गुलाब जाम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप चीनी थी, चीनी डाल दी थी, और अब यह दूसरा कप चीनी हम इसमें डाल देंगे और 2 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम अब 1 कप पानी डाल देंगे। सेम क्वांटिटी हमें लेनी है जिससे कि हमारी चाशनी है वो अच्छी आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम मिक्स करने वाले हैं रोज एसेंस। आप इसके अलावा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, वैनिला का एसेंस भी डाल सकते हैं, आपके मनपसंद जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून रोज एसेंस, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे, इससे हमारी चाशनी अच्छी होगी, खट्टी नहीं होगी, इसकी टेस्ट वैसे की वैसे ही रहेगी। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 तार आने तक हमें चाशनी को होने देना है। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है, हल्का सा उबाल आ गया है। चाशनी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि हमारे 1 तार नहीं आ जाती। चाशनी हमारी हो रही है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। हमारी चाशनी हो रही है तब तक हम जामुन बना लेते हैं। उसके लिए हमें लगने वाला है 2 चम्मच घी। इसी चम्मच से आपको सभी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर ली है। मिल्क पाउडर अब हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फाइन सूजी 1 चम्मच। उसी चम्मच से हम 2 टेबलस्पून हमने यहाँ मैदा लिया है, ये दूसरा चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालने वाले हैं सिंपल रूम टेम्परेचर वाला दूध। हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है और इसका अच्छे से डो बना लेना है। डो बनने तक ही हमें दूध डालना है, सॉफ्ट डो लगाना है इसका। और थोड़ा दूध हमें लगने वाला है। ऐसा डो हमने बना लिया है, ऐसा डो हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। हो गई है हमारी चाशनी, बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। सभी जामुन एक तरीके से आने के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच लिया है, उसके नाप से ही हम सभी जामुन बना लेंगे इस तरीके से।
अच्छे से हमें इसे गोल गोल कर लेना है। इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है जिससे कि हम जब फ्राई करेंगे तब हमारे जामुन टूटे ना। ऐसे ही सभी जामुन हम बना लेंगे। और ये देखिए हमारे जामुन बनकर रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम सभी जामुन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे जामुन को अच्छा हल्का गुलाबी कलर आ गया है। और ये देखिए हमारे जामुन बनकर रेडी है। अब हम जामुन को चाशनी में डुबो देंगे। और ये देखिए हमारे जामुन कितने अच्छे आए। इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल ना मावा के।